सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं अब एक प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ, जो कि है कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर मॉर्निंग वॉश। ये आपने ना बहुत सारे लोगों के वीडियोस शायद अब तक देख लिए होंगे, या फिर नहीं देखे होंगे तो मैं बता देती हूँ एक्चुअली ये काम कैसे करता है और ये एक्चुअली है क्या चीज़। अगर आप किसी ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, या फिर जब आप कपड़े धोते हैं तो उस कपड़ों में से एक अच्छे से फ्रेगनेंस नहीं आती, चाहे कोई भी बेस्ट क्वालिटी आप वॉशिंग पाउडर भी अगर यूज़ करते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट व्हाट्स एवर, लेकिन तब भी आपके कपड़ों में एक अच्छे से भीनी से खुशबू नहीं आती। बिकॉज मैं जिस एरिया में रहती हूँ, यानी कि पुणे में रहती हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कभी बारिश होती है, कभी धूप आती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। मैंने बहुत मतलब हाई एंड डिटर्जेंट भी यूज़ कर लिया है, लेकिन वो जो कपड़े में से फ्रेगनेंस होती थी ना, वो नहीं आती थी। लेकिन जो मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ, ऑब्वियसली उसमें तो आती है थोड़ी सी अच्छी फ्रेगनेंस, तो बच्चे का तो हो जाता था, लेकिन जो हम लोग यूज़ करते थे ना, ऑब्वियसली मैं भी हो सकता है कि धूप अच्छे से नहीं लग रही, बल्कि यहाँ पे धूप आती है अच्छे से, ऐसा नहीं कि नहीं आती, लेकिन तब भी एक वो फ्रेगनेंस चाहिए थी मुझे जो कि मिसिंग थी काइंड ऑफ। मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको भी मन है कि आपके कपड़ों में से बहुत अच्छी खुशबू है कि आपको डीओ तक लगाने की भी ज़रूरत ना पड़े, तो डेफिनेटली मैं कह रही हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। और मैक्सिमम जो भी मेरे चैनल पे मैक्सिमम क्या 100% जो भी रिव्यू होते हैं वो जेन्युइन रिव्यू होते हैं, मैं कभी भी कोई फेक रिव्यू नहीं करती हूँ। जो मुझे लगता है कि यूज़फुल है मैं वही बताती हूँ लोगों को, अदरवाइज़ मैं कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। मेरी वीडियो के गैप्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि मैं जब तक उसको यूज़ नहीं कर लेती मैं नहीं बनाती हूँ। पहले तो हम इसकी बात कर लेते। तो ये मैंने लिया है, एक्चुअली मुझे जो फ्री के वेबसाइट्स नहीं होते हैं जिसमें आपको कुछ फ्री के ऑर्डर्स मिलते हैं, और इसे मुझे वो मिला होता काफ़ी दिन पहले, लेकिन मैंने उसके साथ ही मुझे एक छोटा सा सैंपल मिला होता इसका फैब्रिक कंडीशनर का, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। बाय चांस मैंने सोचा कि आज यूज़ करके देख लेते हैं, तो जब मैंने उसे यूज़ किया मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैंने इसका इतना बड़ा साइज़ खरीद लिया, समझ सकते हैं आप। और जो इसका साइज़ है वो है 1.6 लीटर, मेरा 1.6 लीटर का है, और जिसके MRP दिए वो दिए 400 रुपीज़, लेकिन इतने का नहीं आया ये, और थोड़ा सा डिस्काउंट में मुझे मिला था। तो ये है कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर मॉर्निंग फ्रेश। आप इसके कोई और भी वर्जन ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला लिया क्योंकि मुझे इसका बहुत पसंद आया था। और मैंने जो वॉश करा है, फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने मशीन वॉश करा था, जब मेरे कपड़े धुल रहे थे उसी टाइम ही मैंने एक ढक्कन इसमें उसी टाइम सेम टाइम पे डाल दिया था। ऐसा नहीं था कि कपड़े धोने के बाद डाला था, ऐसा नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि कपड़े पहले धुल जाएंगे उसके बाद आपको डालना है, लेकिन नहीं, कपड़े धोते समय भी वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने उसे यूज़ किया हुआ। इस वीडियो में मे बी शायद मैं उसका आपको वॉशिंग करते हुए ना दिखाऊँ, मे बी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी ना तो प्रॉपरली वॉश करते दिखाऊँगी, क्योंकि अभी सारे कपड़े धुल चुके हैं और मुझे इसका रिव्यू देना ही देना था, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जल्दी आपको बता देती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हैंड वॉश के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसमें यही कहा गया है कि पानी, जो एक बकेट पानी में आपको 1.5 कप ले लेना है कंफर्ट फैब्रिक, सोक करना है 10 वॉश क्लोथ इन द बकेट फॉर 5 मिनट्स, रिमूव क्लोथ एंड ड्राई, डू नॉट रिंस इन वाटर आफ्टर यूजिंग कंफर्ट। ये कह रहे हैं कि अगर जैसे कि आप यही काम कर सकते हैं, ये कह रहे हैं कि आपको ना जैसे डालने के बाद आपको इसको फिर से वॉश नहीं करना है, पानी नहीं डालना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप ड्राई करते हैं कपड़े को वॉशिंग मशीन में तब आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तो ये फैब्रिक ही कोई चीज़ ही है लिक्विड सी जो कपड़े पर लग रही है, तो मैं उसे वॉशिंग के टाइम में डाल देती हूँ। आप दोनों तरीके से डाल सकते हैं और बकेट वॉश भी कर सकते हैं। और टॉप लोड में कहा है कि 1 कप कंफर्ट सॉफ्टनर को आपको डालना है एट द सेम टाइम एज यू ऐड डिटर्जेंट, तो इसमें ये, और सेमी ऑटोमेटिक में ये कहा गया है कि जो कंफर्ट डायरेक्टली आप वॉशिंग टब में डाल सकते हैं इन द लास्ट रिंस साइकिल, यानी कि रिंस करने के टाइम में आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको डेफिनेटली चीज़ें मिल जाएंगी, अगर आपका मन है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसको जिस तरीके से यूज़ किया मैंने आपको बता दिया। अभी तक मैंने बकेट वॉश नहीं करा है, मशीन वॉश करा था, और जब मशीन वॉश हो रहा था उसमें सेम टाइम में मैंने डाल दिया था, मेरा सेमी ऑटोमेटिक है तो मैंने डाल दिया था। इसमें ये कहा गया है कि लास्ट में जब आप ये रिंस हो रहा होगा, रिंस साइकिल लास्ट की चल रही होगी, तब आप उसमें डाल सकते हैं। ये टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसा डाल सकते हैं, और मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। वो बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि बहुत ही लिक्विड ही है, ये रही, बहुत थिक है, बहुत मोटी कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लिक्विड ही है।
और सो आई रियली होप कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं एटलीस्ट अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको बता दूँ कि ये अगर आपको लेना है तो लीजिए, बिकॉज़ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको अपने कपड़ों में अच्छे से खुशबू चाहिए तो आपको डेफिनेटली ये लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।